और आपको बहुत दूर नहीं जाना है फ्रूट्स पैचेस पे नहीं जाना है तो आप ये टायर ले सकते हो और एफ जी टू फाइव के लिए अगर आप लेना चाहते हो तो फिर आप एक्सपेक्ट करो कि इसका माइलेज दो से तीन किलोमीटर ड्रॉप हो जाएगा हेलो यूट्यूब वेलकम बैक टू मोटोजो। आज के वीडियो में मैं एक एक्साइटिंग रिव्यू ला रहा हूँ अपोलो एल्फा एच वन का जो मैंने ऑलमोस्ट बीस हज़ार किलोमीटर का ओडोमीटर जब मेरा था तब मैंने चेंज किया था एंड अभी आई एम क्लोज टू थर्टी नाइन थाउजेंड फाइव हंड्रेड सो ऑलमोस्ट इस टायर पे बीस हज़ार किलोमीटर हो चुका है मैं पूरा बताने वाला हूँ आपको इस टायर का पॉजिटिव और नेगेटिव जो मैंने ऑब्जर्व किया है इन बीस किलोमीटर में ये बीस किलोमीटर नॉट जस्ट सिटी बट हाईवे में भी हुआ है एंड इसमें मैंने सिटोंग का भी काफ़ी एक्सट्रीम ट्रिप था वो वो भी मैंने कवर किया था सो so, सबसे पहले बात करते हैं पॉजिटिव साइड की एंड अपोलो एल्फ़ा का सबसे बेहतरीन फ़ीचर आपको लगेगा वो है इसका रोड ग्रिप आप अगर सिटी में बाइक बहुत चला रहे हो और हाईवे में भी आप क्रूज कर रहे हो तो इसका ग्रिप आपको काफ़ी ही सुपर लगेगा इसका ग्रिप अलग लेवल का है स्पेशली एफ़ जी टू फाइव के लिए बिकॉज़ एफ जी टू फाइव ऑलरेडी एक वेल बैलेंस्ड मोटरसाइकिल है एंड इसमें अगर आप ऐसा टायर लगाओगे तो बवाल होगा इसके पहले मैं बता दूं कि ये अप साइज़ टायर है वन फोटी सेवेंटी सेवेंटीन सेगमेंट का कोई रेडियल uh, टायर उस टाइम में नहीं था मेरे ऑप्शनस में सो so, मुझे यही टायर लेना पड़ा मुझे अपसाइज करना पड़ा था और ये ड्यूक डोमिनर ये सब बाइक्स में यूज़ होता है स्टेबिलिटी एक ही फैक्टर होता है हर टायर का एंड अगर टायर स्टेबल नहीं है हाई स्पीड्स पे या फिर यू uh, नो you know, कुछ कुछ टायर होते हैं जो एक स्पीड के बाद वो वॉबल करने लगते हैं वो कभी कभी बाइक का भी दोष रहता है उसमें क्योंकि मे बी कुछ पर्टिकुलर बाइक्स में एक पर्टिकुलर स्पीड में वो ज़्यादा वाइब्रेशन देता है एंड बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं बट इस टायर का जो स्टेबिलिटी मिलता है मुझे हाई स्पीड्स में कॉर्नरिंग पे आ, इवन स्लो स्पीड्स पे वो लाजवाब है मुझे बहुत ही अच्छा लगा इसके अलावा ये बाइक का जो पावर टू वेट रेशियो है वो प्रॉपर मैच करता है इस टायर के साथ मतलब इस टायर का निम्बलनेस स्टेबिलिटी मतलब इस बाइक का निम्बलनेस अगर आप उसको कंबाइन करो इस टायर का यू नो परफॉर्मेंस रोड ग्रेप ये सब के साथ तो एक प्रॉपर पैकेज आपको मिल रहा है छोटे छोटे लाइक लेंथ पे छोटे छोटे ओवरटेक्स आपको बहुत अच्छा लगने वाला है सिर्फ अच्छा ब्रेक पैड यूज़ करने से आपका ब्रेक अच्छा नहीं होने वाला अगर आपके टायर में ग्रिप नहीं बचा है तो आप ये मत एक्सपेक्ट करो कि बस बैक पैड मैं टाइम से चेंज कर रहा हूँ मेरा बाइक प्रॉपर कंट्रोल में रहेगा नहीं आपको टायर भी टाइम से आपको चेंज करना पड़ेगा जो मैंने ये फील किया कि अपोलो एल्फ़ा का बाइक को एक प्रॉपर कंट्रोल मिलता है टायर लगाने के बाद अब बात करते हैं नेगेटिव के बारे में सो मैं आपको बताया था कि मैंने इस बाइक को लेकर सिटोंग का ट्रिप किया था पुरुलिया गया था एंड वहाँ से सिटोंग भी गया था इसी टायर से मुझे पुरुलिया में कुछ भी इशू नहीं हुआ क्योंकि पुरुलिया में Uh, जैसे कि क्लाइम्स और इनक्लाइंस वग़ैरह उतने ज़्यादा नहीं है और रोड भी काफ़ी ठीक ही था अच्छा ही था उतना ज़्यादा ख़राब नहीं था बट सिटोंग में ये टायर प्रॉपर ऐसा क्लाइम आया ऑलमोस्ट फोर्टी फाइव डिग्री का वो क्लाइम था लाइक इनक्लाइन था और उसके साथ रास्ता भी बहुत ख़राब था लाइक पेबल्स एंड ऑल बहुत ही ख़राब रास्ता था सो so, उस मोमेंट में मुझे लगा कि ये टायर का सबसे वीकनेस है कि ये और इस टायर को लेकर आप एक्सप्लोर नहीं कर पाओगे कुछ कुछ जगह सो so, ये सिटी हाईवे संडे राइड्स आपको बहुत मजा आएगा बट अगर आप एक प्रॉपर कुछ कुछ ऑफ रोड जगह में जाते हो मैं प्रॉपर ऑफ की भी बात नहीं कर रहा हूँ बहुत कम ऑफ हल्का फुल्का ऑफ बट क्लाइंब अगर होगा तो फिर ये आपको अच्छा नहीं लगेगा ये टायर सो so, ये सबसे बड़ा इसका नेगेटिव लगा मुझे इसके अलावा मुझे इस टायर का मड पे परफॉर्मेंस जैसे कि मडी और रेन एम आर एफ़ का जो स्टॉक टायर्स मिलता है वो इससे काफ़ी अच्छा है एटलीस्ट इन रेन एंड मडी कंडीशंस बट मडी एंड रेन में ये टायर नॉट दैट गुड नॉट अ गुड आइडिया उतना ज़्यादा अच्छा नहीं है सो so, कंक्लूजन की बात करते हैं अगर आपका पर्पस है जस्ट सिटी में चलाना हाईवेज़ पे क्रूज़ करना है तो आप ये टायर ले सकते हो और एफ जी के लिए अगर आप लेना चाहते हो तो फिर आप एक्सपेक्ट करो कि इसका माइलेज दो से तीन किलोमीटर ड्रॉप हो जाएगा बिकॉज़ ये काफ़ी हैवी टायर है इट्स कम्पेयर टू स्टॉक एटलीस्ट सो ये इसका नेगेटिव था हल्का माइलेज थोड़ा सा माइलेज ड्रॉप होगा नहीं के बराबर और इसका ग्राउंड क्लियरेंस आपको पता है ऑलरेडी कि एफ़ का ग्राउंड एफ़ जी का ग्राउंड क्लियरेंस काफ़ी कम है आ, वो नीचे का टच हो ही जाता है ये टायर लगाने के बाद तो मुझे लगा कि ये और थोड़ा ज़्यादा कम हो गया सो so, ये सब नेगेटिव फैक्टर मुझे लगा इस टायर के बारे में बाइक के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ कुछ है और कुछ कुछ ये टायर एज अ होल पॉइंट ऑफ व्यू से है क्योंकि ये जो टायर है ये ट्रैक बेस्ड टायर है ये इस टायर को आप ट्रैक पे भी लेके जा सकते हो ये अगर आप प्रॉपर टूरिंग करते हो जहाँ पे बहुत ज़्यादा ऑफ रोड पैचे है आई विल नॉट रिकमेंड दिस इसके वजह मैं बोलूँगा आप अपोलो ट्रैम्पलर ले सकते हो मेरे बहुत सारे एफ जी टू फाइव के ग्रुप मेंबर्स हैं जिन्होंने अभी रिसेंटली ट्रैम्पलर लिया है और मुझे काफ़ी अच्छा फीडबैक ही मिला है so सो अगर आप अपने बाइक के लिए 140 70 सेवेंटी सेवनटीन इसके लिए अगर अच्छा टायर ढूंढ रहे हो तो मैं ये सजेशन दूंगा कि आप सेम साइज़ का ही टायर चूज़ करो आपको अपसाइज करने का जरूरत नहीं है अगर आपका वैसा कुछ रिक्वायरमेंट नहीं है तो एज अ होल दिस इज़ स्टिल अ वैल्यू फॉर मनी टायर क्योंकि मुझे इस टायर से जो एक्सपीरियंस मिला है एफ जी टू फाइव पे लाइक आप शायद मेरा रील्स वगैरह देखते ही हो मुझे बहुत ही पसंद आया ये टायर बस वही डाउन साइड लगा मुझे कि मैं अगर टूरिंग कर रहा हूँ तो मुझे ट्रैम्पलर ही लेना चाहिए था बट इसके बाद क्या मैं वापस से अपोलो एल्फ़ा ही लूँगा सो so, नहीं मैं एल्फा इसके बाद नहीं लूँगा बिकॉज मेरा पर्पस मुझे समझ में आया कि प्रॉपर ट्रैक या फिर स्ट्रीट रेस वाला टायर लेके अभी कुछ फ़ायदा नहीं है हमारे रोड कंडीशंस आप देख ही सकते हो कितने ख़राब है सो so, इसके बाद मैं ज़रूर ट्रैम्पल लूँगा एंड उसका भी रिव्यू बनाऊँगा सो दैट इज़ ऑल फॉर टुडे डोंट फॉरगेट टू लाइक सब्सक्राइब बेल नोटिफिकेशन दबा देना और ड्राइव सेफ टेक केयर अडियोस